हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज हम जंतु विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिससे आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है वह कौन सा विज्ञान कहलाता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? इम्यूनोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इम्यूनोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैलियोन्टोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्टियोलॉजी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑंकोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। उस विज्ञान को क्या कहते हैं जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है? यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। आनुवंशिक लक्षण तथा उनकी वंशागति का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। स्नायु तंत्र संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। वृद्ध संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? जिरोंटोलॉजी। शिशु रोग संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स। फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? लैमार्क। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनेक ने। पल्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबारा मैक्लिंटॉस ने। एडवर्ड जेनर का नाम किस रोग से जुड़ा है? चेचक। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने किया था? विलियम हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं?
स्लाइडेन और स्वान। ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? बारबारा मैकलिनटॉस ने। एग्यूलेटरी जीन की खोज किसने किया था? जैकब और मोनार्ड ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुइस पाश्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर को। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने। शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य किस प्रकार की उत्तक करते हैं? एपिथेलियमी उत्तक। घाव को भरने में सहायक कौन सा उत्तक होता है? एपिथेलियमी उत्तक। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव की त्वचा सबसे मोटी किस अंग की होती है? तलवे की। लैक्रोमल ग्रंथि से क्या स्रावित होती है? आंसू। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवेदना का चारण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक द्वारा। किस रचना के द्वारा अस्थि से अस्थि को जोड़ा जाता है? लिगामेंट के द्वारा। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा उत्तक। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। मोस्ट कोशिका किस उत्तक में पाई जाती है? संयोजी उत्तक में। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। टंडन किसको किससे जोड़ता है? पेशी को अस्थि से। आनुवंशिकी किसकी इकाई है? जीन की। जीन किसमें अवस्थित होते हैं? जीन किसमें अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? वीडल और टेटम ने। कोशिका में पाए जाने वाला अनाज के पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। माता पिता के गुण संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। 23. मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46. मानव में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? XY. बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? पिता का। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से लड़का का जन्म होता है? पुरुष का Y और स्त्री का X। लाल और हरा वर्णांधता का कारण क्या है? X गुणसूत्रों की वंशागति। एक लिंग संलग्नता रोग कौन सा होता है? वर्णांधता। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या होती है? 0। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? DNA फिंगरप्रिंट। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। समजात अंग कैसे होते हैं? रचना में समान। समरूप अंग कैसे होते हैं? कार्य में समान। मनुष्य में अवशेषी अंग कहाँ पाए जाते हैं? कर्णपल्लव पेशी में। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर।
मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ श्रेणी में। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? युगलीना को। पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? युगलीना को। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका किस अंग में पाया जाता है? आंत में। मानव के शरीर में पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है? प्लाज्मोडियम। काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मेनिया डोनावानी। निद्रा रोग कौन सा प्रोटोजोआ पैदा करता है? ट्रिपेनोसोमा। मानव की आंख में रहने वाला एक कोशिकीय अरोग परजीवी कौन सा होता है? ई कोलाई। स्पंज के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रिया। स्पंज के शरीर पर स्थित बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? अस्कुलम। किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? टेंटिकल्स। प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा के द्वारा। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। जेलीफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? ऑरेलिया। खरगोश में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।